आदाब दोस्तों, मैं कामरान, आप देखना शुरू कर चुके हैं K4U न्यूज़। दोस्तों अभी मैं बेनीपट्टी के सौली घाट के पुल पे हूँ। कोसी नदी ने खोला 56 फाटक, क्या बढ़ सकता है लोगों की मुसीबत परेशानी। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या लगता है सैलाब आने की संभावना, सैलाब आएगा क्या। हम लोग तो देखते हैं जिस हिसाब से तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, सुन रहे हैं लेकिन हम लोग के एरिया में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, और बट वो है कि कोसी नदी ने 56 फाटक करीब खोल दिया है। हाँ, ये तो सुन ही रहे हैं, हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, बट इसका जो है सो अभी हम लोग का इधर नहीं है। लेकिन नदी जो है पूरा भरा हुआ है। नदी भरा हुआ है ना, लेकिन इतना नहीं अभी हम लोग को लग रहा है क्योंकि ये बारिश का भी पानी हम मान सकते हैं, क्योंकि बारिश भी हुआ था बीच में। इनकेस अगर सैलाब आता है तो क्या कुछ फ़ायदा, क्या कुछ नुकसान हो सकता है? हाँ, हो सकता है बहुत, जैसे कि अब खेत लोग किए हुए हैं, हम लोग भी अब सब लोग करते हैं, और घर द्वार है, बहुत क्षति हो सकता है। पानी ही है, जल वायु ये सब का तो फिर कोई रोकने वाला है नहीं। हवा को कौन रोक सकता है भैया, वो तो पवन है। हाँ, तो ये चीज़ हम कहना चाहते हैं। क्या नाम हो गया, परिचय क्या आपका? मेरा नाम हो गया मुकेश कुमार यादव। हाँ जी, घड़ी से। हाँ, तो हमारे साथ अभी एक युवा हैं, आप देख सकते हैं, और उनसे हम जानते हैं क्या कुछ लगता है आपको सैलाब आने की संभावना है इस क्षेत्र में। देखिए, सैलाब आने की जो संभावना है, सैलाब आते रहते हैं, हर साल आते हैं, कभी कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं, लेकिन इस बार जो ये चर्चा का विषय बना हुआ है उसके पीछे जो मुख्य कारण है बताया जा रहा है, पिछले 40 साल में 50 साल में पहली बार जो है कोसी प्रोजेक्ट में इतना फाटक खोला गया है। 7 या 8 लाख क्यूसेक पानी जो है वहाँ से निकाला गया, जिससे अगर ये पानी अगर इधर आता है, फिलहाल तो ऐसे इस नदी का जो है संपर्क को तोड़ दिया गया है, दूसरी तरफ घुमा दिया गया है, अगर पानी आता है तो यहाँ जान माल हर तरह की क्षति होगी। कुछ नुकसान भी है तो कुछ फ़ायदे भी हैं। जिस तरह से अभी हम देख पा रहे हैं कि नदी जो है वो काफ़ी फूल है और पानी जो है अपने उफान पे है, भर चुका है, क्या लगता है कि इस पानी से आम लोगों का ये आवागमन में कितना नुकसान होगा या क्या कुछ हो सकता है? फिलहाल पानी का जो स्तर है, अभी लेवल है, वो उस लेवल पे नहीं है कि लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन जैसे जिला अधिकारी ने लोगों को अवेयर किया, अलर्ट किया है कि आप लोग तैयार रहें, कभी भी पानी जो है बढ़ सकता है, तो पानी बढ़ेगा तो फिर आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा लोगों को। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है लोगों को, और पानी आनी चाहिए, पिछले 4-5 वर्षों में जो है बाढ़ आया नहीं है। अगर आता है, कम आए, ज़्यादा नहीं कम आता है, तो यहाँ का जो है फर्टिलाइज़र अच्छा होगा, मिट्टी अच्छी होगी, नई मिट्टी बदलेगी तो खेती अच्छे होंगे। वक्ती तो नुकसान है लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदे हैं इसके। इनकेस अगर इस बार फ्लड आ जाता है तो क्या फ़ायदा हो सकता है, और उसके अलावा कैसे इनसे बचा जा सकता है, कैसे सावधानी को बरत सकते हैं? देखिए, आपदा तो आपदा होता है, अगर इसमें हम बड़ा फ़ायदा खोजेंगे तो बड़ा फ़ायदा नहीं है, माइनर फ़ायदा है, वो हमारे ज़मीन के जो है वो फर्टिलाइज़र अच्छा हो जाएगा, बाकी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। सावधानी क्या बरतते हैं? सावधानी जो जिला अधिकारी ने निर्देश दिया है, जो लोग गहरी जगह पे हैं वो ऊंची जगह का चयन करें, या कहीं अगर ऐसा शेल्टर बना हुआ है तो शेल्टर में जाके अपना जगह ग्रहण करें, यही सावधानी है। ओके, थैंक यू। तो आइए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं क्या लगता है सैलाब आएगा इधर, इस बाढ़ आएगा? नहीं आएगा। कोसी ने 56 फाटक खोला है, वो सुपौल सहरसा ये सब को नुकसान पहुंचाएगा, अपना मधुबनी वाले से। हाँ, थोड़ा मोड़ा है लेकिन इधर उतना गंभीरता, फिलहाल हम देख रहे हैं नदी पूरा भरा हुआ है। हाँ, तो वो झटका तो आएगा ही ना, झटका है। हाँ, अगर आ जाता है इनके तो कितना नुकसान होगा? नुकसान तो खैर करीब करीब बहुत होगा। जिला प्रशासन को इस पे कैसे काम करना है? जिला प्रशासन तो एक्टिव है लेकिन फुल एक्टिव नहीं है। फुल एक्टिव? हाँ, नहीं। तो फुल एक्टिव करने के लिए या फुल एक्टिव हो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हम लोग को एक साथ जुट होना चाहिए, और क्या। कहाँ से हैं आप? पुपरी से हैं। पुपरी से जी। तो आप नदी देख रहे हैं? नहीं, हम काम से गए थे कोर्ट जी। ओके, आइए कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं। वो लोग सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी क्लिक कर रहे हैं और देखते हैं कि वो उस नदी में। भाई, सिर्फ सेल्फी लोगे क्या? क्या लगता है सैलाब आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, एक सब। लेकिन भरा हुआ नदी? भरा हुआ तो उससे क्या, हम जब से आए 3 महीने तब से 3 बार भर गया। कितना महीने से देख रहे बाबा, सैलाब आएगा? सैलाब आएगा, बाढ़ आएगा? बाढ़ तो आया हुआ है, देखते हैं। तो बाहर साइड में तो कहाँ है, बाहर में पानी बढ़ेगा तब। नदी भर गया है, क्या पता आएगा कितना। हाँ भाई, तो क्या आएगा? नहीं आएगा, नहीं कोई आएगा। चांस ही नहीं है। कोसी ने 56 फाटक खोला है।
तो वो उधर के लिए खोला, लेकिन इधर नहीं आएगा, कोई चांस ही नहीं। हाँ, इधर पूरा सेफ है। सेल्फी ले लिया है? हाँ ले लिया। थैंक यू। ये एक और बाबा है, उनसे भी जानते हैं और बातचीत करते। क्या लगता है, सैलाब आएगा इधर? सैलाब आएगा? पानी तो इसका नाम है अर्धवाड़ा समूह। अच्छा, 16 नदी से मिश्रण। कितनी नदी से? 16 नदी से। बट हम तो सुने 3 नदी से। नहीं, आपको गलत फहमी। अच्छा, हाँ तो ये 16 नदी से मिश्रण, इसका नाम है अर्धवाड़ा समूह। अच्छा, ये भारत सरकार की रजिस्टर्ड में अर्धवाड़ा समूह के नाम से ही प्रसिद्ध है। वैसे लोग गांव घर के गांव घरों के नामों से इसे जो है दोस्त नदी या सोली पर कहते हैं। सोली घाट से ज़्यादा फेमस है। ये तो पानी ऐसे ही आते जाते रहते, सैलाब आएंगे तो कुछ फसल भी होंगे। सैलाब आएगा तो कुछ फसल होगा? फसल होगा ही। कैसे? मिट्टीकरण चेंज होगा। इसके बाद तुरंत गेहूं का खेती आएगा। पानी रहेगा तब ना गेहूं भी आप कहीं से पटेगा। ये तो आपदा में भी असर हो गया। आपदा आने से बात तो फिर तो गवर्नमेंट भी राहत देती है, कोई ऐसे पब्लिक खाते रहेगी तो जनता का काम है। तो मतलब एक लेके ये सही है, सब सही है। खराब कहाँ कुछ है, सैलाब आज तक दुनिया में खराब चीज होता ही नहीं। प्राकृतिक की महाप्राकृतिक भी कही तो खराब होता ही नहीं है। तो क्या लगता है, सैलाब आने की संभावना है? ये तो आते ही जाते रहे, अभी तो पूरा चोरी खाली, अभी कहाँ सैलाब, अभी तो नदी का किनारा भी नहीं भरा। कोसी भी 56 फाटक खोला है। कोसी खुला तो 56 सीधे से आपको जो है भागलपुर सहरसा सुपौल उधर होते हुए चले गए, बल्कि उधर तो आया हुआ भी है। तो उधर तो 56 का 56 उधर गया, तो इधर तो बचा कहाँ पश्चिम में, कुछ नहीं। ओके, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विपिन कुमार कर, घर हुआ बनकटा। तो हमने अलग अलग लोगों से बातचीत किया और जाना कि क्या सैलाब आ सकता है इस मधुबनी बेनीपट्टी क्षेत्र में, बट लोगों ने कहा कि ऐसा कोई उम्मीद, कोई ऐसा संभावना नहीं है फिलहाल इस वक्त। क्या लगता है, सैलाब आने की संभावना है इस क्षेत्र में? सैलाब बार? हाँ, इधर आएगा? नहीं आने वाला है। क्यों? कोसी ने तो 56 फाटक खोला। नहीं, यहाँ पानी का जोर नहीं है, कोसी उसी होकर चला जाएगा। काफी सारे जगह पे तो आई हुई है। नहीं, यहाँ इस बार ऐसा नहीं संभव है बार आने का। नहीं रहेगा, बाढ़ से राहत मिलेगी। क्या कहेंगे, सैलाब आने की संभावना है? नहीं आने का संभावना है। पानी तो लेकिन है, भरा हुआ है, हल्का फल्का है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। कोसी ने 56 फाटक खोला, तो फाटक का इस नदी का कोई वैल्यू नहीं है। 56 फाटक पानी तो ज्यादा था नहीं, ये कोसी की तरफ निकल जाता है पानी। हाँ, आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं और जानते। क्या लगता है भैया, सैलाब आएगा? सैलाब अब इधर नहीं आएगा। लेकिन कोसी ने तो 56 फाटक खोल दिया। कोसी में खोल दिया है ना, इधर नहीं है। इधर नहीं है, लेकिन नदी अभी भी फूल है और उधर उस साइड में तो पानी आ चुका भी है, लगा भी है। शंका है, तो शंका है, लेकिन आएगा नहीं इधर। हाँ, सैलाब अगर आता है तो कितना नुकसान होगा यहाँ पर? तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ राहत भी तो मिलेगा? सरकार से मिलेगा तब ना। देंगे ही 6,000? 6,000 अब नहीं आता है 2-3 साल से। चलिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या राय है, क्या लगता है सैलाब आने की संभावना है। क्या कहेंगे, सैलाब आने की संभावना है? क्या बात है, सैलाब आ सकता है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब डाउट है आपको? हाँ, लेकिन पानी तो भरा हुआ, नदी फुल है। फुल है, फिर भी उतना हाई फुल नहीं है जो अभी का। हाँ, लेकिन इधर कुछ एरिया में पानी वगैरह तो लगा हुआ है? लगा है, फिलहाल कम है। अच्छा।